सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिस बारे पंचम गुरदेव गुरु अर्जन देव जी ने बाणी च आप बयान किया कि डिठे सभ्य थाव नहीं तुद जिहा बदो पुरख बदाते तां तू सोहया, इस स्थान की शोभा ली इस स्थान के दर्शनों वास्ते श्रद्धा सत्कार भेट करने वास्ते लखां प्राणी रोजाना दर्शन स्नान लिए देश दुनिया तो आते हैं, तो उन्होंने होर अट्रैक्शन सचखंड श्री हरिमंदर साहब की खूबसूरती असं कोई वाधा नहीं कर सकते, पर करमा दे विच ते जिहड़े श्री अकाल तख्त साहब की इमारत आ इन्हां इमारतों ते जिहड़ियां LED लाइटां ने जिस तरह के दुबई दे विच इह लाइटां चलदियां सी, सिंगापुर हांगकांग चलदियां सी, चाइना चलदियां सी, ते इह बड़ा अट्रैक्शन का कारण बनदियां लोगों के लिए, तो परमानेंट लाइटां का प्रोजैक्ट जिहड़ा वा LED दी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मानयोग प्रधान साहब के दिशा निर्देशों अनुसार लगाया गया वा। यह जिहड़ा प्रोजैक्ट आ बहुत वड्डा प्रोजैक्ट आ, तो संभावना के सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी के प्रकाश गुरपुरब समय 7 अक्तूबर नूं संगतां नूं अर्पण किया जाएगा। ये लाइटां जिहड़ियां ने वो कुदरती तौर पर ही जिहड़ियां चेंज होणगियां, उन्हां दे रंग चेंज होणगे, तो ये जिहड़े रंग ने ये सचखंड श्री हरिमंदर साहब की आभा नाल मिलते जुलते जिहड़े ने वो लाए गए ने, तां कि किसी तरह की भी जिहड़े कलर हुंदे आ कुछ तेज कलर हुंदे आ उन्हां तों अवॉइड किया गया कि सहज सिमरन सादगी का भी प्रगटा होवे ते शोभा भी वध सके, पर नाल दी नाल इहदे नाल जिहड़ियां LED लाइटां ने इहनां नाल बिजली की जिहड़ी खपत आ वह भी घटदी आ, उन्हें भी मद्देनज़र रख्या गया। नहीं जिहड़ी दीपमाला की जाती है वह सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते भी की जाती है, सचखंड श्री हरिमंदर साहब की जिहड़ी पवित्र इतिहासक इमारत है वह उत्ते भी की जाती है, वो उपर आपां इह लाइटां नहीं ला रहे, असीं परिक्रमा दे विच ते जिहड़े संबंधित स्थान ने उन्हां ते ला रहे हैं, बुंगियां ते ला रहे हैं। सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते जिहड़ी जदों जलौद लगता जदों दीपमाला हुंदी आ वो परंपरागत ढंग दे नाल उही लाइटां लाइया जाएंगी।